एक जंगल में टुंडनी चिड़िया अकेले ही अपने घर पर रहती थी। उसके बेटा और बेटी शहर में रहते थे। वो अकेले ही जैसे तैसे अपना गुजारा चला रही थी। टुंडनी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और वो कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। वो बाहर उड़कर भी नहीं जा पाती थी। उसके घर में कुछ ही दिन का टुंडनी उस बचे हुए राशन में से अपने लिए दो रोटियां बनाती है। तभी उसे बाहर किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ एक कौवा होता है। वो कहता है कि बहन मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। टुंडनी अपने खाने में से एक रोटी लाकर दे देती है, लेकिन इससे कौवे का पेट नहीं भरता है। तो कहता है मुझे और भोजन दो, तो वो उसे अपनी दूसरी भी रोटी दे देती है। इस प्रकार दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन वो कौवा टुंटुनी का घर नहीं छोड़ता है और वो टुंटुनी को भी उससे अच्छा लगने लगता है। वो उसे रोज एक रोटी बनाकर खिला देती। एक दिन कौवा उससे कहता है, टुंटुनी बहन तुम मेरी इतनी ज्यादा सेवा करती हो, मुझे खाने के लिए रोटी देती हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो टुंटुनी कहती है, कुछ नहीं भैया, मैं तो बूढ़ी बाड़ी हूं, मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूं, तुम मेरे लिए राशन पानी ला दिया करो, बस मैं इतना ही चाहती हूं। तो वो कहता है बस इतनी सी बात। तो इस प्रकार वो उसके लिए राशन ला देता था और टुंटुनी उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना देती थी। एक समय की बात है, जंगल में बहुत भयानक बाढ़ आ जाती है। टुंटुनी का घोंसला भी बह जाता है। बाढ़ की वजह से सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई पंछी किसी से मिल नहीं पाता है। वो कौवा भी टुंटुनी से मिलने के लिए नहीं आ पाता है। तो टुंटुनी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो मेरे पास राशन पानी भी नहीं है, मेरा घोंसला भी गिर गया। ऐसा सोचते सोचते वो बहुत परेशान हो जाती है और ज़्यादा सोचने की वजह से टुंटुनी को बीमारी लग जाती है। वो वहीं ढेर हो जाती है और वो कराने लगती है कि कोई तो मेरी मदद करो। वो भगवान को याद करने लगती है, तभी वहाँ पर वो कौवा आ जाता है। कहता है टुंटुनी बहन तुम्हें क्या हुआ। कहती है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम शहर जाकर मेरे बच्चों को ले आओ, वो मुझसे आखिरी बार मिलने, यही मेरी आखिरी इच्छा है। कौवा कहता है टुंटुनी बहन तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी वैद्य को लेकर आती हूँ। लेकिन टुंटुनी उसे मना कर देती है। वो उसे अपने बेटा बेटी के घर का पता देती है। तो कौवा वहाँ पहुँचता है और वहाँ उन्हें सारी बात बताता है। वो बच्चे परेशान होकर तुरंत ही वहाँ आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो ये क्या देखते हैं, टुंटुनी तो वहाँ पर मरी पड़ी थी। वो सभी रोने लगते हैं। टुंटुनी का बेटा कहता है कि मैंने अपने पढ़ाई लिखाई के चक्कर में माँ को अकेला छोड़ दिया, वो इसीलिए हमें छोड़कर चली गई, वो बहुत दुखी थी, और वो ऐसा कहकर विलाप करता है। दूसरी तरफ कालू कौवा कहता है कि काश मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर लेता। टुंटुनी बहन मैं आपको बच्चों को ले आया, लेकिन आपने इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया, आपने बहुत गलत किया। तो ऐसा है यारों, दुनिया से जाने वाले जाने कहाँ चले जाते हैं दीवाने।